नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। भाजपा सांसद नवनीत राणा आज सुबह दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची और यहां उन्होंने अपने पति संग हनुमान चालीसा का पाठ किया। राणा दंपति को अप्रैल महीने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, बाद में इनकी रिहाई हो गई। इससे पहले सांसद नवनीत राणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राणा दंपति किसी के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते, चाहे वे भाजपा ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि आज हम यहां हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र के लोगों को उद्धव ठाकरे से मुक्ति मिल सके। सांसद नवनीत ने बताया कि जब वे जेल में थी तो उन्होंने रोज 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था और वे नहीं चाहती कि कोई निर्दोष जेल जाए। मुंबई से शुरू हुई हनुमान चालीसा की सियासत अब देश की राजधानी में जोर पकड़ रही है। सांसद नवनीत राणा इन दिनों यहीं अपने पति के साथ डेरा जमाए हुए हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।